नमस्कार दोस्तों, मैं सबको स्वागत करता हूँ अपने चैनल की एक और नई वीडियो पे। तो जी आ गए इग्नाइट हेलमेट के साथ वापस, और ये मतलब बहुत ज्यादा वेटेड था स्टोर में कि ये कब पहुंचेगा, और आज ही पहुंचा और एकदम गर्मा गर्म है अभी। तो अभी चलते हैं हेलमेट की तरफ। बाकी जैसे स्टड्स का प्रीमियम सेगमेंट है SM के, वेगा का प्रीमियम सेगमेंट है एग्जॉर, वैसे स्टील वर्ल्ड का ये प्रीमियम सेगमेंट है इग्नाइट, और इन्होंने लॉन्च किया नए नाम के साथ। और मतलब इस हेलमेट में मुझे काफी चीजें अच्छी लगी, कुछ चीजें थोड़ी अजीब भी लगी, उन सब पे बात करेंगे। और पहले चल लेते हैं यहाँ पर, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर प्लेन भी रखा है, डेकोर भी रखा है, ग्राफिक भी रखा है, और अभी तक ज्यादा कंटेंट नहीं है इस हेलमेट के अराउंड। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये वाला जो हेलमेट है एक, यही सबको दिख रहा है हर वीडियो में, हर मतलब पूरे यूट्यूब पे सिर्फ यही कलर और यही पर्टिकुलर ग्राफिक अभी तक अवेलेबल है। तो जी ले आए सारे के सारे, और अभी जैसे आते रहेंगे वो सब इंस्टाग्राम पे आता रहेगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसा कंटेंट आप तक लाता रहता हूँ, तो ऐसा कंटेंट मिस ना हो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर एंड तक देखेंगे अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि ऐसा कंटेंट आप तक और लाने की कोशिश की जाए। और लखनऊ के आसपास के तो आपको पता है कहाँ आना है, अगर आप चैनल की पुरानी ऑडियंस है। अगर नई ऑडियंस है तो मैं बता दूं, सुपर अड्डा इंद्रनगर मीना मार्केट ए ब्लॉक, लोकेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है। थर्सडे ऑफ रहता है, बाकी सभी दिन सुबह 11 से शाम 8:30 बजे तक अपना टाइमिंग, कभी भी आकर के आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर लखनऊ के बाहर से कहीं देख रहे हो और अगर आप चाहते हो कि ये प्रोडक्ट आपके आसपास नहीं मिलता है और एक ट्रस्टेड जगह से अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप जाकर के वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो parasautoworld.com, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो प्राइसिंग की मैं पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद चलेंगे हेलमेट के ऊपर और ग्राफिक वाली सारी चीज़ें दिखा दूंगा आपको। तो जी अगर आप प्लेन लेते हो जो कि प्लेन ब्लैक कलर है, वो मतलब ये मेरे को अटपटा गया, ये अगर आप प्राइस चेक करोगे यहाँ पर प्लेन कलर का जो प्राइस है वो है 4999। और वहीं अगर आप ग्राफिक लेने जाओगे, ये देख लो आप ग्राफिक का बॉक्स, ग्राफिक के बॉक्स पे क्या जी MRP लिखी है, ग्राफिक के बॉक्स पे आपको MRP देखने को मिल रही है 4749। तो ये पहली ऐसी कंपनी है जिसने डेकोर सस्ता किया है और प्लेन कलर जो है उसको महंगा किया है। और ये सब हटा देता हूँ, इसलिए मैं बॉक्स लेकर गया था क्योंकि मुझे ये चीज़ दिखानी थी। बाकी सब मैं सबको पता है कि अगर आप बेसिक भी चीज़ें हेलमेट भी लेने जाते हो ना, मतलब 1000-1500 वाली रेंज में भी, उसमें भी प्लेन सस्ता होता है, डेकोर जो है महंगा होता है। तो ये तो आप देख ही चुके हो जी, बाकी सारे वीडियोस बाकी सबके चैनल पे ये सब आप देख ही चुके हो। तो ये हो जी हो गया बासी, ये है देखिए ताज़ा कॉमिक, ये है प्लेन। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये मतलब अभी पर्टिकुलर मुझे इन सबके नाम नहीं पता है, बिल्कुल जैसे अभी माल उतरा वैसे ही मैंने इसको पकड़ लिया कि भाई इस पे पहले काम होगा, बाकी सब बाद में होगा। ये सारे एक चेकआउट कर लो आप, ये इसी का दूसरा ग्राफिक है, कलर जो है चेंज है, ये वाइट हो गया, ये मैट पे है, ये सब मैट में, वो कॉमिक और ये वाला जो है ये ग्लॉस में आपको देखने को मिल रहा है। बाकी जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे वो आपको वेबसाइट पे जाकर के आप चेकआउट कर लो क्या क्या अवेलेबल है। और अगर आप पीछे इसमें चेकआउट करोगे तो जो ये है इसका स्पॉइलर, वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा एक्सटेंडेड है, और ये बिल्कुल मतलब मेरे को AGV वाला जो लुक है वो आता है। ये अगर आप चेकआउट करोगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको एक एयर वेंट देखने को मिल जाता है, सामने की तरफ आपको हफ्ते पे भी एक एयर वेंट देखने को मिलता है दोस्तों, और ये फंक्शनल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लगाने के लिए दिया हो। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको सामने की तरफ चिन पे एक बड़े साइज का वेंट मिलता है जो कि फंक्शनल है। यहाँ पर आपको वाइजर लॉक देखने को मिल जाता है, अनलॉक कर लेते हैं इसको, और ये देखिए इसमें है डुअल वाइजर, जिसमें अब कोई मशीन बटन का कोई झाम नहीं, आपको डायरेक्टली यहीं से पकड़ना है, खींच लेना है। पहले क्या होता था, लोग कभी अगर गलती से इसको पकड़ लेते थे तो मैकेनिज्म खराब हो जाती थी, और ये वाला वाइजर शेल के अंदर होता है तो उसको ना बनाया जा सकता है ना चेंज किया जा सकता है। तो कंपनी ने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया है, और इसका जो एंगल है वो थोड़ा नीचे तक है, बाकियों में क्या होता है थोड़ा ऊपर तक रहता है, तो उसमें मतलब काम करते हैं वो, आंखों को तो ढकी लेते हैं लेकिन जो एरिया कवरेज है वो थोड़ा सा उनमें कम होता है, इसका जो कवरेज ज़्यादा है। और दोस्तों ऊपर की तरफ आपको ये पीली पीली फिल्मिंग दिख रही होगी, समझने वाले समझ गए होंगे, इसमें एंटी फॉग भी आपको देखने को मिलता है, और ये साथ में लगाया आता है। मैकेनिज्म भी अगर आप देखोगे ना तो इसकी मैकेनिज्म भी जो है थोड़ी प्रीमियम टाइप की मैकेनिज्म लग रही है, ऐसा नहीं कि मतलब हाँ एक्चुअल में काम किया गया है अगर आप देखोगे तो। पीछे की तरफ आपको हॉट वेंट जो है वो इसी के अंदर है और यहीं से वो निकलेगी एयर, और ये वाला जो आप अलग से देख रहे हो स्पॉइलर, ये आप निकाल भी सकते हो, आप देख रहे होगे स्क्रू लगे हुए इसमें, तो अगर इन फ्यूचर कभी टूट जाता है या चेंज करना चाहते हो आप, या निकाल करके कुछ लोग इसको रैप भी कराते हैं दोस्तों, तो आप इस पर रैप भी करा सकते हो उसको निकलवा करके। और बाकी अगर आप लॉक वगैरह की बात करोगे तो लॉक आप चलो छोड़ देते हैं अभी, पहले हम बात कर लेते हैं साथ में क्या क्या आ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो इसके साथ आपको इग्नाइट के स्टिकर मिलते हैं, यहाँ पर आपको अंदर की तरफ एक कीचेन देखने को मिलती है, इसमें दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो दूसरे में दिखा दूंगा, और यहाँ पर भी आपको स्टिकर, तो स्टिकरिंग और कीचेन में एकदम भरपूर काम किया गया है। यहाँ पर आपको इसका जो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने को मिल जाता है,
इस तरफ अगर आप देखोगे तो डॉट पीजे की तरफ की आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको इग्नाइट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ डॉट सर्टिफिकेशन, यहाँ वो सर्टिफिकेशन जिससे इंडियन पुलिस को मतलब है ISI, और वेट की अगर हम बात करेंगे तो 1550 ग्राम के आसपास जो है इसका वेट है। बाकी अंदर की तरफ जो कुशनिंग और पैडिंग वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम फैब्रिक यूज़ किया गया है। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो इसमें आपको डबल डी रिंग भी देखने को मिलता है, और इसमें ऐसा है वेट डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी काम किया गया। तो स्ट्रैप की जो वो है कुशनिंग वो भी काफ़ी लंबे साइज़ की, मतलब कुछ में होता है कि कुशनिंग बस इतनी होती है, तो ये वाला जो एरिया है वो बिट टाइम आपको यहाँ पर चुभता है। और अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो भी ब्लूटूथ इंटरकॉम के लिए पोर्ट्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो कटआउट्स बाकी हेलमेट में होते हैं इसमें भी दिए गए हैं। स्पीकर जो है उसके सारे के सारे यहाँ पर आएंगे, जो यहाँ के कटआउट है, और बाकी स्पीकर जो आपका माइक है वो आगे सामने चिन की तरफ आता है। सामने की तरफ चिन कर्टन भी दिया है जो कि डिसेंट साइज़ का है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही छोटा है बहुत बड़ा दे दिया। एक्सेस का जो अभी तक का पूरे सेगमेंट में सबसे बड़ा जो चिन कर्टन लगा मेरे को एक्सेस ड्रेकन का लगा, बाकी ठीक ही है SMK से बड़ा है, फिर भी मैं तो SMK यूज़ कर रहा हूँ। और पैडिंग मेरे को ये लग रहा है रिफ्लेक्टिव है, फ्लैश जला लो जरा, यहीं से जलेगा, यहीं से दोस्तों रिफ्लेक्टिव है। बाकी अगर ये वाला जो पैनल है मेरे को रिफ्लेक्टिव लग रहा है, फ्लैश ऑन किया है शायद रिफ्लेक्टिव है, ये वाला जो पैनल है, ये वाला जो स्टिचिंग है वाइट वाली यहाँ पर, ये मेरे को लग रही है रिफ्लेक्टिव है। बाकी अगर हम लाइनर वगैरह की बात कर रहे हैं तो लाइनर इसमें आप निकाल करके रिमूव करके वॉश भी कर सकते हो, विद टाइम जो है लाइनर गंदे हो जाते हैं, तो इनको आप निकाल करके इजीली वॉश करके दोबारा से, और अगर आप निकाल करके बार बार वॉश करना नहीं चाह रहे हो तो जो इंटीरियर क्लीनर आते हैं हेलमेट के उनसे भी आप इसको साफ़ कर सकते हो। बाकी एक साइज़ जो भी देख लेता हूँ मेरे साइज़ का हो, मैं एक बार पहन करके दिखा देता हूँ कि ओवरऑल लुक क्या आ रहा है। तो एक हेलमेट मैं आपको पहन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके का आने वाला है ये OP। तो जी पहनने के बाद इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है, मैं अभी डबल डी रिंग क्लोज नहीं कर रहा हूँ आप देख लो। तो जी पहनने के बाद कुछ इस तरीके का इसका लुक आने वाला है, वाइजर बंद करके एक बार देख लीजिए, कुछ इस तरीके से काफ़ी शार्प एजेस निकली हुई है यहाँ पर, और ये जो है इसका हेलमेट लॉक है इस तरीके से, यहाँ पर मैंने नीचे किया ऊपर किया, और इसको भी मैं लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी झाम है समझना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है जी इसका डुअल वाइजर, बड़ा वाऊ वाऊ, और जो कवरेज भी आप देख रहे हो काफ़ी नीचे तक इसका कवरेज आ रहा है, तो सिर्फ मतलब सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है जी है क्या। बाकियों में क्या होता है कवरेज सिर्फ यहाँ तक का आता है कुछ इस तरीके का, और ये पूरा जो गैप है ये फिल्ड होता है। तो मतलब मेरे को इसका डुअल वाइजर काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, और जो बता रहा हूँ 1550 ग्राम के आसपास इसका वेट है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पर काफ़ी अच्छा काम किया गया है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत हैवी है। ये एल साइज़ है, मेरे को XL आता है, और तब भी आप देखोगे कुशनिंग वगैरह जो है कुशनिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, तो मतलब स्नग फिट आ रहा है हेलमेट। हमेशा यहाँ से आपका स्नग होना चाहिए ताकि जब भी कभी इम्पैक्ट आए तो हेलमेट अपनी जगह से ना निकले। और हाँ जी, तो यही एक छोटा सा अपडेट था आपके पास, एकदम गर्मा गर्म कॉन्टेंट, और मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले प्रोडक्ट के साथ। और अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट आप तक लाता रहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो क्या कर रहे हैं मित्रों, करना पड़ता है सब्सक्राइब, क्योंकि ये सब ऐसे थोड़ा मिस हो जाएगा तो अच्छा थोड़ी लगता है। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ ड्राइव।